प्रोसेस को करते हैं। एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल प्रैक्टिस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल एलिमेंट्स टेक्नो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस यूपीएस के बारे में आपको बताया था कि ये कितना वाट तक लोड ले सकता है, लेकिन आज मैं फुल लोड टेस्ट करने वाला हूँ इस पर और देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ चला सकता है। तो पहले हम छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, जैसे एक एलईडी बल्ब हो गया, चार्जर से भी शुरुआत करेंगे। पहले वीडियो में तो हम चार्जर चला करके दिखा दिया था मोबाइल चार्ज को, वो तो आसानी से ये चला ले रहा था, आसानी से मोबाइल चार्ज कर दे रहा था। लेकिन आज हम इन सारी चीज़ों को चला करके टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं, ये कटर मशीन है, यहाँ पे ये ग्राइंडर मशीन है, और इसके बाद ये ड्रिल मशीन है, मिक्सर है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल फैन है, और उसके बाद ये 100 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब है। और मैं आपको एक CRT टीवी जो होता है, पुराना जमाना वाला जो ओल्ड वाला टीवी होता है, उसका भी इस पर चला करके दिखाएंगे, जो अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उसको, वो मेरे रूम में है, तो इसलिए हम वहाँ पे जा करके इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देख सकते हैं कि ये छोटा चीज़ इतना पावरफुल है, कितना चीज़ को ये चला सकता है, आज हम ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स इस तरह के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सके और इसका यूज़ कर सके अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एलईडी बल्ब से। देखिए, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिए हैं, और ये जो है इसका मेंस है, जो कि ये इस बोर्ड में कनेक्ट होता है, ये मेंस है, और ये जो है फ़ैन वाला वायर है, जो कि अभी हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं, इसको भी हम चला के टेस्ट करेंगे। ये फ़ैन वाला वायर है जो इधर से होते हुए इस बोर्ड के साइड से इसमें आया है। तो अभी हम आपको इसमें, ये मेंस है, इसको मेंस को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको कोई शक न हो, और इसमें हम मेंस से नहीं चलाएंगे, कोई जो भी चलाएंगे हम इस UPS से चलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पीछे हम कनेक्शन कर दिए हैं, और उसके बाद ये LED बल्ब है। तो चलिए हम UPS को करते हैं ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो गया, LED बल्ब अच्छा तरह से ग्लो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एकदम इसके लिए बच्चों वाला खेल हो गया। अभी धीरे धीरे छोटा लोड से बड़ा लोड की तरफ हम जाएंगे। तो ये LED बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब हम इस पर 100 वाट का बल्ब आपको चेक कराते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 100 वाट के बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मेन से हम कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किए हैं। ये जो है ये फ़ैन वाला वायर है जो ऊपर मेरा सेट है, ये वाला, ये फ़ैन वाला वायर ऊपर सेट है, इसको हम मेन से अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, इसको हम, ये वाला मेरा फ़ैन वाला वायर है, बाद में इसको इस पर टेस्ट करके दिखाएंगे। तो अभी मेरा ये 100 वाट का LED बल्ब है, इसको चला कर देखते हैं ये UPS से चलता है कि नहीं। अभी हम इसको करते हैं UPS को ऑन। देखिए, UPS को ऑन कर दिए, अब ये जलेगा, सॉरी हिल गया यहाँ पे, देखिए स्पार्क कर रहा है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल ब्राइटनेस के साथ ये जल रहा है, जो कि मेरा UPS से चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेन में अभी कोई वायर को कनेक्ट नहीं किए हैं, ये जो है टेबल फैन का वायर है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो ये जो 100 वाट का बल्ब है, ये आराम से इसको चला दिया। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लोड की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये इस फैन का वायर है, जो कि इधर से आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अभी मेन से अभी हम कोई कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, मेन को अभी हम यूज़ ही नहीं करेंगे, अभी पूरा UPS से चलाएंगे अब, क्योंकि हमको UPS का दिखाना है कि वो कितना लोड ले सकता है। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए अभी हम UPS को इसमें कनेक्ट करते हैं, इस फैन से UPS को कनेक्ट कर दिया, और इसको हम ऑन करेंगे। जैसे हम इसको ऑन किए, देखिए फैन चालू हो जाएगा, देख सकते हैं पूरा फुल आवाज़
पूरा स्पीड के साथ चल रहा है, एकदम जैसे एकदम मेंस पे चलता है, जैसे लाइन पे चलता है, एकदम फुल स्पीड के साथ ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो छोटा सा फैन था, ये तो चल गया। अब बारी आती है बड़ी वाली फ़ैन की, 100 वाट का ये फ़ैन है। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इसका वायर किधर है। ये वायर है, देखिए अभी UPS को मेन से कनेक्ट नहीं किए हैं, इसका मेंस वाला वायर है, इसको हम UPS को यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं और देखते हैं कि क्या मेरा UPS उस फैन को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो करते हैं यहाँ से हम UPS को ऑन और देखते हैं ये फैन को चला पा रहा है कि नहीं। देख सकते हैं पूरा फुल स्पीड में पूरा फैन रन कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं पूरा फुल स्पीड में एकदम पूरा अच्छे तरीके से मेरा फैन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UPS से चल रहा है, कोई भी यहाँ पे हम मेंस को कनेक्ट नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं ये जो वायर है मेंस वाला, अभी पूरा लोड जो है UPS को चल रहा है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं अभी मेरा UPS बैकअप मोड में है, अच्छी तरीके से एकदम चल रहा है। तो ये रहा फैन का टेस्टिंग, फैन तो इस पर चल गया। और अब बारी आती है CRT TV की, जो मेरा उस रूम में रखा हुआ है, अभी तो लाइट भी नहीं है, तो इसको ले चलते हैं UPS को, उसके बाद इन सारी चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं TV को हम यहाँ पे पूरा कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये TV का कनेक्शन है और ये DTH का कनेक्शन है, कोई भी वायर इधर कनेक्ट नहीं किए, ये डिश का कनेक्शन है जो कि इस रिसीवर में कनेक्ट हो गया है, और कोई भी एक्स्ट्रा वायर इस पर हम अलग से कनेक्ट नहीं किए। तो देखते हैं मेरा UPS चला पाता है कि नहीं इस TV को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं UPS से TV चल रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं रिसीवर में लाइन आ गया है, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसका LED बल्ब भी यहाँ पे ऑन हो गया, देख सकते हैं LED टीवी बार बार बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे CRT TV भी अच्छे तरीके से इस UPS पे चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको ऑफ़ कर देते हैं, इसको हम तुरंत ऑफ़ कर दिए फ्रेंड्स, ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं इसको ऑफ़ कर दिया। अच्छी तरीके से चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था यहाँ पे, और कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि जैसे मतलब कि तुरंत ओवरलोड हो जा रहा है, इसमें ओवरलोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको चला देगा। क्योंकि इसका जो वाटेज हम आपको दिखा देते हैं कितना वाट है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 600 VA 360 वाट, यानी 360 वाट के अंदर भी जितने भी अप्लायंसेज है आप इस पर चला सकते हैं। तो इससे भी ज़्यादा हम लोड देने वाले हैं, अब देखते हैं कि ये चला पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स TV के बाद आती है मिक्सर की बारी, ये जो मिक्सर है हम इसको UPS से कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट करने के बाद इसको हम देखेंगे कि ये इससे ऑन होता है कि नहीं, यानी चलता है कि नहीं। UPS और ऑन हो गया और इसको हम चालू करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को ट्राई करने का टाइम आ गया है। तो ये कटर मशीन है, अभी हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे इसका मेन सॉकेट यहाँ पे है UPS का, अब इसको मेन से हम कनेक्ट नहीं किए हैं, और देखते हैं कि मेरा UPS इस कटर मशीन को चला पाता है कि नहीं। चलो हाथ में लो इसको, तो हम ऐसे दिखाना है वो ना, चलो चालू करते हैं UPS को, करते हैं ऑन। UPS हो गया ऑन, चलो करो। कवर कर रहा है, बंद करो। तो यहाँ पे हम UPS को ऑन करते हैं, चलो करो, नहीं चलो। ये बार बार ऑफ हो जा रहा है, यानी कि इसका लोड नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसका बैटरी भी छोटा है, और इसका वायर जो है, जो बैटरी से जो कनेक्टर रहता है, उसका वायर भी थोड़ा सा पतला है।
इसको चलाने के लिए आपको अगर इस यूपीएस को एज ए इन्वर्टर चाहे हैवी लोड लगाना चाहते हैं तो आपको मोटा वायर और बड़ा बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा। वैसे अगर आप देख सकते हैं, आप इसका मेंशन किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 600 बी ए 360 वाट, यानी कि ये 360 वाट के अंदर तक लोड को चला सकता है। क्योंकि ये ड्रिल मशीन जो होता है या फिर ये ग्राइंडर मशीन होता है ये 500-600 वाट का भी होता है, तो ये ज़्यादा काफ़ी पावरफुल है, इसलिए ये इसको नहीं चला पा रहा है। तो अगर इससे चलाना चाहते हैं आप, तो कम टाइम के लिए, छोटा टाइम के लिए आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा बैटरी और आपको एक मतलब कि अच्छा क्वालिटी का मतलब मोटा वायर बैटरी के साथ यूज़ करना पड़ेगा, ताकि बैटरी से वो अच्छा से अच्छा एम्पियर ले सके और आपको अच्छा से अच्छा वाट आउटपुट दे सके। तो यही था वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।